शाहगंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा हुई और सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। शाहगंज में 25 बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई और रथ पर सवार होकर निकले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके साथ पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकीय सिंह भी साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि पत्नी साधना सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद थी, तो उन्होंने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों का प्यार भारी मात्रा में उमड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की गई। हजारों की संख्या में लोग जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए और जगह जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया। तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, और इसी बीच बुलडोजर, खास एक चीज और देखने को मिली, बुलडोजर यहां पर पहुंचे हैं और ये अलग तरह का एक मैसेज भी देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम सभाएं हुई, जो रैली हुई, उन जगहों कुछ जगहों पर भी बुलडोजर देखे गए, जहां पर बुलडोजर के माध्यम से लोग चढ़कर उस पर से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। और शाहगंज पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर, और साथ ही आप तस्वीर में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखने पहुंचे हुए थे। इन बुलडोजर, जो 25 बुलडोजर हैं, इन बुलडोजर पर चढ़कर लोग जमकर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल रोड शो और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश, और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह और साथ ही बेटे कार्तिकेय भी यहां पर नजर आए। बता दें कि लगातार विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, शाहगंज पहुंचे और शाहगंज में बहुत प्यार मिला और सभी का अभिवादन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वहीं बुधनी पहुंचे चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके बेटे कार्तिकेय सिंह भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। न्यूज 24 से बात करते हुए कार्तिकेय सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज बुधनी के विधायक नहीं बल्कि परिवार के मुखिया हैं। बुधनी विधानसभा इस बार इतिहास रचेगी। तो आप देख सकते हैं भारी समर्थकों की भीड़ और मुख्यमंत्री से मिलते हुए कितना उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है और ख़ास बात यह कि इस बार जो तमाम दौरे हो रहे हैं, कई जगहों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके बेटे और पत्नी भी नजर आए। बुधनी पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी यहाँ पर साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा परिवार है और परिवार का प्यार हमेशा मिलता रहेगा। और ये भी दावा किया गया कार्तिकेय चौहान की ओर से कि बुधनी इस बार इतिहास रचेगा। चुनाव प्रचार में पिता के साथ कार्तिकेय सिंह पूरे जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार में वो भी जुटे हुए हैं। बुधनी विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। भीड़ और उत्साह भी हम आपको दिखाते हैं कि पीछे किस तरीके की भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं बल्कि शाहगंज समेत आज जो दो दर्जन से गांव में जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर एक अलग ही सियासी रुख को बयां करती है। हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या देख रहे हैं आप और किस प्रकार की तस्वीर है? ऐतिहासिक स्वागत, और बुधनी साहब का घर है, यहाँ से वे विधायक ही नहीं, यहाँ से हमेशा चुन के जाते हैं, तो परिवार के मुखिया चुनकर जाते हैं। बुधनी विधानसभा साहब का परिवार है और परिवार के नाते यहाँ की जनता उनको वो सम्मान देने जा रही है जो एक परिवार के मुखिया को मिलना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने भी एक माहौल देखा और तमाम तस्वीरें आपने भी यहाँ पर देखी, क्या लगता है कि क्या इस बार लग रहा है? इस बार बुधनी विधानसभा एक इतिहास रचने जा रही है। इस प्रकार का चुनाव होगा जो पहले कभी बुधनी की धरती पर लड़ा नहीं गया होगा। हम चुनाव
मान सम्मान और बुद्धि के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जीत का एक नया रिकॉर्ड बुधनी में स्थापित होने जा रहा है। मैं उसकी एडवांस बधाई सभी कार्यकर्ता साथियों को देना चाहता हूं। सर अंतिम प्रश्न, आप भी युवा हैं सर, और इस बार आपके मुद्दे क्या लगते हैं सर कि इस बार किस सोच किस मुद्दे के साथ युवा मतदान करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है, महिलाओं के मान सम्मान को लेकर जनता के बीच में जा रही है। जहाँ कांग्रेस के लोग कोई मौका नहीं छोड़ते नारी जाति को नीचा दिखाने में, वहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने, उनके मान सम्मान स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने जा रही है। तो यहाँ साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं, और विकास के साथ साथ युवाओं और महिलाओं की बदलती हुई जो प्रदेश में तस्वीर है उसके मुद्दे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात भी यहाँ साफ तौर पर कही है कि कांग्रेस कर ऊपर निशाना साधा है, और यह भी कहा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति के परिदृश्य बदल रहे हैं वो कहीं